नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए हैं औरैया जिले की बिधुना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय शाके जी, जिनसे हम बात करेंगे कि मौजूदा हालात गांव के क्या हैं और गांव की जरूरत क्या है। विधायक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज वर्तमान समय में आप गाँव की स्थिति को क्या मानते हैं? वर्तमान समय में देश की आजादी के बाद, देश की 70 साल की आजादी के बाद गांव की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। लेकिन इस देश में 70 साल तक जिन लोगों ने राज्य किया है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सत्ता में रही है और हमेशा एक नारा दिया है कि हम इस देश की गरीबी को दूर करेंगे, सबके दुख दर्द दूर करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि आज भी 70 साल की आज़ादी के बाद गाँव में रहने वाले लोग आवास से वंचित हैं। कहीं ना कहीं पिछली सरकारों का दोष रहा कि आखिर आज तक देश में 70 साल की आज़ादी के बाद भी गांव की जो दुर्दशा है वो ठीक नहीं हुई है। इसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग दोषी हैं और जो ऊपर दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं जहां से योजनाएं बनती हैं वहां भी तमाम अधिकारी इसके दोषी हैं, अन्यथा देश की 70 साल की आज़ादी में गाँव की स्थिति सुधर जाती। लेकिन समय समय पर बीच बीच में दूसरी भी सरकारें नहीं हैं, उन्होंने अपना प्रयास किया है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी, जिसने अगर वो कांग्रेस पार्टी प्रयास करती तो शायद है कि इस देश में आज गरीबी मिट गई होती 70 साल के बाद। आज जो पंचायतों की स्थिति है, आप किसी भी ग्राम पंचायत में चले जाइए तो जो शहरों जैसी, हम लोग जब चुनाव में उतरते हैं तो तमाम अपने अपने दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, हमारी सब दल अपना अपना मैनिफेस्टो लेके चुनाव मैदान में उतरते हैं और सभी कहते हैं कि हम गांव को शहरों की तरह, बजट में भी प्रावधान रखते हैं कि 70% हम, कोई 50% कि हम गांव के लिए खर्च करेंगे। और लेकिन उसका सही मायने में आज भी गांव की स्थिति जो होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन आज जो वर्तमान में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है और अब तक, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ और प्रदेशों की बात, मैं तो चूंकि उत्तर प्रदेश से चुन के आया हूँ, उत्तर प्रदेश की ही बात करूँगा। आज उत्तर प्रदेश में जितने भी बिजली से वंचित गांव थे तो आदरणीय मोदी जी की कृपा से लगभग 90% गांव जो मजरे थे वो भी सेचुरेट हो चुके हैं विद्युत से। और इतना बड़ा काम जो एक साल के भीतर विद्युतीकरण का हुआ है, इतना बड़ा काम शायद है आज तक 70 साल की आज़ादी के बाद इतना बड़ा विद्युतीकरण पे कभी इतना बड़ा काम नहीं हुआ है, क्योंकि जितने मजरे हैं वो सारे के सारे बिजली से पूरे सेचुरेट हो रहे हैं। और जब तक गांव में बिजली नहीं है तो सारा विकास अधूरा है। बिजली से ट्यूबवेल भी चलता है, बिजली से घर में पंखा भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, और सब गाँव में, कोई ऐसा गाँव में चाहे नौजवान हो, मोबाइल चार्ज होंगे तो बिजली की आवश्यकता है। तो बिजली एक मूलभूत आवश्यकता बन गई है उत्तर प्रदेश के पंचायतों में। तो इस सरकार ने स्कूलों में भी बिजली देने का काम किया है, गांव में भी, मजरों में भी बिजली देने का काम किया है। तो बहुत अच्छा प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। शायद इससे पहले अगर कांग्रेस इस तरह का प्रयास करती तो शायद है कि आज उत्तर प्रदेश के सारे जिले विद्युत से चमकते हुए नजर आते। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बीते वर्षों की बात क्या करें कि जो काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया और इसीलिए कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो गई है। अब जैसे हम बात करें कि पहले लोग कहते थे कि देश के विकास का रास्ता, देश की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर जाता है, लेकिन अब गांव के लोग ही अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे हैं, तो इस चीज को आप किस, वो इसलिए जाने लगे थे, गांव के लोग शहरों में इसलिए जाते थे कि गांव में वो सुविधाएं नहीं थी, पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग अपने शहरों में जाते थे और रोजी रोटी कमाने के लिए वो भी शहरों में पलायन करते थे। लेकिन आज वर्तमान हालात में परिस्थितियां बदली हुई हैं और बदली हुई परिस्थितियों में मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि शिक्षा के स्तर में भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ा सुधार किया है। अभी आपने देखा हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हो रही हैं, नकल विरोधी परीक्षा शायद है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह की परीक्षा पहली बार देखने को नजर आई है। और साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा में भी पहली बार बहुत बड़ी, अभी उच्च शिक्षा में भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें भी जिस तरह से हाई स्कूल इंटर में सख्ती की गई उसमें 12 लाख से अधिक बच्चे छोड़ गए हैं। ये बच्चे कौन बच्चे छोड़े हैं? वो बच्चे छोड़े हैं कि जो पढ़ना नहीं चाहते थे और फ्री फंड में आके फॉर्म भर दिया, अपना कर दिया, वो इस तरह के लोग परीक्षा छोड़ गए हैं।
तो कम से कम आगे आने वाले समय में अगर हमारे देश के बच्चे या हमारे प्रदेश के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे पदों पर कैसे जाएंगे। इसी तरह से हमारी सरकार ने प्राइमरी में भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करके पूरे प्रदेश में, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, सबके साथ एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करके और हर ब्लॉक में, जितने भी उत्तर प्रदेश में, हर ब्लॉक में 5-5 विद्यालय इंग्लिश मीडियम की स्थिति, जो सीबीएसई में बच्चे पढ़ते हैं छोटे बच्चे, क्लास जो प्राइमरी स्टेज की शिक्षा है उसमें हमारे हर ब्लॉक में 5-5 विद्यालय हमारी गवर्नमेंट ने चयन किए हैं। वो इस मंशा से चयन किए हैं कि हमें सीबीएसई में पढ़ने वाला बच्चा जो प्राइमरी स्टेज में सीबीएसई में पढ़ रहा है, वही यूपी बोर्ड का भी बच्चा उसी स्तर पर, उसी तरह से 5-5 विद्यालय इस बार चयनित किए गए हैं और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि गाँव स्तर में भी और खास करके ग्रामीण अंचल में जहाँ अपने बच्चों को लोग नहीं पढ़ा पाते थे, तो वो व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की और योगी सरकार ने वो लागू की है और इससे निश्चित रूप से जो गांव का पलायन है वो रुकेगा। साथ ही साथ जो हमारे गांव के लोग थे जो रोजगार के लिए दिल्ली जाते थे रोजगार के लिए, वहाँ दिल्ली चले गए, कोई कलकत्ता चला गया, कोई अहमदाबाद चला गया, मतलब अपना घर छोड़ के रोजगार रोटी रोजगार के लिए जाते थे। तो चूंकि पिछली सरकारों में हमेशा ये नारा देते थे, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कहते थे हम बेरोजगारों को, नौजवानों को बेरोजगार भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगार भत्ता केवल 5 साल की सरकार में मात्र उन्होंने 1 साल गिने चुने हुए अपने कार्यकर्ताओं को बेरोजगार भत्ता दे दिया, लेकिन नए रोजगार का सृजन का कोई उपाय नहीं किया पिछली सरकारों ने। लेकिन इस देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक लक्ष्य रखा गया कि हम 5 साल में 70 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे और उनको प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी, दोनों सेक्टरों में हम 70 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का पूरा करेंगे। अब नौकरी तो सबको नहीं दी जा सकती है, लेकिन अगर हम उनके अंदर हुनर पैदा करेंगे तो इस हुनर के लिए कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ उन नौजवानों को, उन जो बेरोजगारी के लिए भटकते हैं, उनको नए हुनर पैदा करने के लिए ये जो लागू किया गया है, इसमें तमाम नए लोगों को हुनर मिलेगा तो अपना रोजी रोजगार भी करेंगे और निश्चित रूप से अगर उन्हें गांव में हुनर मिल जाएगा तो फिर गांव छोड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। बिजली भी होगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी गाँव में होगा, जब बिजली होगी, रोजगार का मौका भी गाँव में होगा, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में गाँव से लोग पलायन नहीं करेंगे, बल्कि शहरों में जो लोग चले गए वो फिर गाँव की तरफ, क्योंकि शहरों में पॉल्यूशन बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, लोग शहरों के लोग भी गांव की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये आने वाला जो समय है तो वो गांव से लोग पलायन न करके शहरों के लोग भी गांव की ओर जाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी जैसे आपने बताया कि सरकार जो प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं या जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें एनसीईआरटी और इंग्लिश मीडियम का शुरू कर रही है जो भी पढ़ाई का, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल के फर्नीचर की तरह से फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर उस चीज में वो अभी स्कूल पूरे नहीं हो पाए हैं। पूरा अभी अभी शुरुआत हुई है, अभी तो मेरी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल की गवर्नमेंट ने पहली बार, हमारी सरकार ने और संगठन के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के कोई विद्यालय ऐसा नहीं है कि, चाहे छोटे से लेकर के हम विधायकों ने भी, हमने 3 विद्यालय गोद लिए हैं, तीनों विद्यालयों की व्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त करने के लिए हफ्ते में एक दिन जरूर जाते हैं विद्यालय में। इसके अलावा जो हमारे पार्टी के जितने भी विधायक हैं सबने 1-1, 2-2 विद्यालय सबने गोद लिए हैं। इसके अलावा पार्टी स्तर के जो संगठन के स्तर के कार्यकर्ता, उन्होंने भी विद्यालय गोद लिए हैं। केवल शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा करने के प्रयास में सारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता ने और बड़े से लेकर पदाधिकारियों, छोटे पदाधिकारियों, सब ने 1-1 विद्यालय गोद लिया है कि आगे आने वाले समय में शिक्षा का स्तर सुधर सके, इसीलिए हम लोगों ने गोद लिया। क्या इसमें सरकार किसी एनजीओ का भी सहारा लेगी अपने साथ मिला के कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके? जब 1-1 विद्यालय एनजीओ की आवश्यकता है, एनजीओ जो अपना एनजीओ काम अपना एनजीओ करेगी, लेकिन जब सारे कार्यकर्ताओं ने 1-1 विद्यालय की जिम्मेदारी ली है, हम गांव के लोगों को जागरूक करेंगे और उनको प्रयास करेंगे कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे बच्चे बने और उस शिक्षा में अच्छी साफ सुथरी सफाई, वो सब सारी व्यवस्था के लिए, जहाँ तक फर्नीचर की बात है तो निश्चित रूप से जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय चयनित कर रहे हैं उनमें हम अपनी निधि से भी फर्नीचर की व्यवस्था करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि फर्नीचर की व्यवस्था नहीं करा रहे। अच्छा, एक चीज और विधायक जी हमें देखने मिली काफी जगह, पहली बार ये भी बता दूं, पहली बार हमारी सरकार ने, आपने देखा कि बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल की तरह ड्रेस का वितरण किया है, ड्रेस का वितरण किया, स्वेटर मोजा जूता सब दिए हैं,
तो पहली बार हमारी सरकार कर रही है, हमने प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि गांव का पढ़ने वाला बच्चा भी बिल्कुल उसको ये लगे कि हम कॉन्वेंट स्कूल पढ़ रहे हैं। नहीं, जैसे अब बात करते हैं हम कि पहले एक योजना चली थी कि 100 दिन का रोजगार पक्का, लेकिन इस समय तो सरकारी मजदूरी, सरकारी जो मजदूरी है वो 200-250 रुपए के लगभग है, और वही मजदूर अगर कहीं प्राइवेट आदमी के यहाँ काम करने जाता है तो 350-400 रुपए तक ले लेता है। ये अंतर भी सरकार समाप्त करने की, ये योजना जो कोई, ये मनरेगा के तहत आप कह रहे हैं 100 दिन के रोजगार गारंटी, ये मनरेगा का जो भी है वो कांग्रेस गवर्नमेंट की योजना थी जी, वो चल रही है, आज भी चल रही है, लेकिन मजदूरी कम है। नहीं, मजदूरी तो समय समय पे जब रिव्यू होता है तो समय समय बढ़ाई भी जाती है, ऐसा नहीं अगर कोई कम है तो उसको बढ़ाया जाएगा। अब जैसे ग्राम पंचायतों की बात की जाए, ग्राम पंचायतों में विकास के लिए सरकार धन देती है, एक ही बार का एस्टीमेट वहां बनता है। जो हम कुछ लोगों से बात की, कुछ प्रधानों से बात हुई, तो वो ये कहते हैं कि हम लोगों को फिर वो अधिकार नहीं होता कि महंगाई के हिसाब से हम उसमें कुछ बढ़ोतरी कर सके। ऐसा नहीं, अगर वो प्रधानों ने कहा है तो गलत कहा है। जहां तक कि कोई भी ग्राम सभा हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, हर जगह, चाहे विधानसभा हो, हर जगह एक बजट तैयार होता है जी। अपनी ग्राम सभा का स्वयं का अधिकार है कि वो अपनी कार्ययोजना तैयार करे, कार्ययोजना तैयार करके साल भर की कार्ययोजना बनाता है प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर के, दोनों गांव पंचायत की बैठक में साल भर की कार्ययोजना बनाई जाती है। उस कार्ययोजना में कोई गली है तो गली का नाम डाल के, और वो तालाब की खुदाई, गली की खुदाई, लेबलिंग, मिट्टी का काम, जो भी होता है वो गांव सभा अपनी कार्ययोजना बनाती है, और कार्ययोजना बना करके वो उसका अप्रूवल कहीं बाहर नहीं, वो तो ब्लॉक में अप्रूवल होता है, और उसी कार्ययोजना के तहत साल भर काम करते हैं। अगर बीच में कोई आवश्यकता पड़ती है तो अनुपूरक कार्ययोजना भी बनती है, अनुपूरक कार्ययोजना बना करके वो काम तत्काल कराए जाते हैं। लेकिन है क्या कि पिछली 5 सालों की सरकार में, पिछली 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो 5 साल की सरकार में कभी भी होता क्या है कि गांव सभा में कोई काम हुआ और गांव सभा पूरे साल का काम करके, वो निश्चित रूप से एक ऑडिट गांव सभा को कराना चाहिए, लेकिन पिछली 5 सालों की सरकार में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में 5 सालों में किसी भी गांव सभा का मुझे निश्चित जानकारी है कि ऑडिट नहीं कराया गया, और बगैर ऑडिट के ही सारा का सारा पैसा जारी किया गया। और जब पैसा, जब ऑडिट किसी चीज का नहीं हुआ है तो इससे भ्रष्टाचार करने का एक बड़ा मौका, जो बड़ा मौका भ्रष्टाचार करने का मौका जो दिया है पंचायत में, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला है। अगर वो भ्रष्टाचार करने का मौका ना मिला होता तो आज गांव की दशा बिल्कुल चाक चौबंद नजर आती, और उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम पंचायत समिति उत्तर प्रदेश के कमेटी में मेंबर भी हूँ, हम समय समय पर ऑडिट प्रस्तर के जितने मामले हैं वो निपटा रहे हैं, और इस समय वर्तमान में आप समझिए 2011 का ऑडिट प्रस्तर का मामला चल रहा है, तो आप सोचिए 7 साल हम पीछे ऑडिट में हैं, हम खुद ही 7 साल पीछे, तो 7 साल पीछे होने का कारण यह है कि निश्चित रूप से तमाम लंबित मामले पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में, जिला पंचायतों में, गांव पंचायत में सब पड़े हैं, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, लेकिन अब उस व्यवस्था में अगर ऑडिट वाले ऑडिट नहीं करा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है। लेकिन पिछले 5 साल में मुझे नहीं लगता है कि पिछले 5 सालों की सरकार में कहीं कोई ऑडिट हुए, और पैसा जारी होता रहा, इससे भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला, और बढ़ावा मिला इस तरह का बढ़ावा मिला कि आज जो पंचायत सेक्रेटरी हैं वो इतने पैसे वाले धनाढ्य लोग हैं कि पंचायत सेक्रेटरियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। एक पंचायत सेक्रेटरी एक बाबू की हैसियत बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन आज सारे उत्तर प्रदेश के जो पंचायत सेक्रेटरी हैं वो फिर फोर व्हील वाहन में घूम रहे हैं। आपने सचिव की बात की, तो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सचिवों की काफी कमी लगती है, एक एक सचिव 5-5 से लेकर 10-10 12-12 गांव तक देख रहा है। ये व्यवस्था बिल्कुल सही बात है, सचिव की ही कमी नहीं है, तो वो एक ठेकेदार की तरह से काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, विलेज डेवलपमेंट जो ऑफिसर है वो, उनकी कमी भी है, उनके साथ साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की भी कमी है, वीडियोस की भी कमी है। ये कमी दूर करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है, और करने के साथ साथ काफी प्रयास भी किया है, और निश्चित रूप से जैसे ही आयोग से अगर होगे तो निश्चित रूप से हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होना चाहिए। वो कमी है उत्तर प्रदेश में, बड़े पैमाने पर कमी है, इस चीज को हम स्वीकारते हैं, लेकिन हमारी सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है कि अति शीघ्र इसमें, इस व्यवस्था में सुधार किया जाए, और काफी कुछ सुधार किया है, काफी कुछ सुधार करके और व्यवस्था बिल्कुल सही हो रही है। और सरकार का लक्ष्य भी है कि हम 2022 तक उत्तर प्रदेश में कोई भी गरीब ऐसा ना रहे कि 2022 के बाद किसी को आवास देने की आवश्यकता पड़े। इसीलिए 2011 की सूची के अनुसार इस साल हमारी सरकार ने पिछले वर्षों की अपेक्षा
पिछले साल 6 लाख आवासों का आवंटन किया गया था और हमारी सरकार ने ठीक 2 गुना 12 लाख आवासों का आवंटन इस वर्ष किया है और हम 2022 तक उत्तर प्रदेश में कोई भी आवास विहीन कोई पात्र व्यक्ति नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये लक्ष्य आदरणीय मोदी जी का है, आदरणीय योगी जी का है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी हमें 2022 तक खत्म करनी है और इस पर भी खास करके गांव में रहने वाले किसान, किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे की जाए इस पर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर काम कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए। जब किसानों की आय ठीक ठाक होगी तो पंचायतों की व्यवस्था अपने आप ठीक ठाक होगी। उत्तर प्रदेश में काफी जागरूक बनाना है। उत्तर प्रदेश में कई सारी जगह पर कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं लेकिन किसानों को इन चीजों की जानकारी नहीं कि कृषि विज्ञान केंद्र जाके वो अपनी मिट्टी की जांच करा लें या कृषि वैज्ञानिकों से ये पूछें कि अगर हम ये खेती करें तो इसमें कितना फायदा होगा। इस तरफ सरकार कोई जागरूकता अभियान के तहत ऐसा है, सरकार किसान भी जागरूक है और हर जिले में लगभग करीब करीब किसी कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं और सरकार ने, हमारी सरकार ने इस बजट में भी 20 कृषि विज्ञान केंद्र नए खोले जाने का प्रस्ताव भी किया है इस बजट में जी। निश्चित रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है, खेती के बारे में जानकारी मिलती है और किसान की आमदनी दोगुनी तभी हो सकती है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहले अपना, देखिए किसान के पास सिंचाई का साधन नहीं है तो भी खेती नहीं कर सकता है, किसान के पास अगर जमीन लेवल नहीं है तब भी खेती अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन किसान को सबसे पहले करना क्या चाहिए कि अपनी जमीन को, इस समय तमाम तकनीकी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर कढ़ा है, कंप्यूटर कढ़ा से लेबलिंग करा करके जमीन सबसे पहले समतल कराए किसान, उसके बाद उसमें जैविक खाद डाले और जैविक खाद के माध्यम से निश्चित रूप से अच्छे बीज का चयन करके और जब वो किसान खेती करेगा तो निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहते हैं और तमाम ड्रिप सिंचाई है और भी तमाम सिंचाई है अगर ये करेगा तो निश्चित रूप से किसान की आमदनी पहले वर्ष में जब इतना कर लेगा तो पहले वर्ष में 1.5 गुनी हो जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि 5 साल में 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो जाए और हम दोगुनी की बात नहीं कर रहे, उसकी 1.25 गुनी हो जाएगी बशर्ते किसान नियम से चले और कृषि विज्ञान केंद्र इसीलिए खोले जा रहे हैं ताकि उन्हें जानकारी मिले। तमाम वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और वो समय समय पर देते भी रहते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब वो जमाना चला गया, गांव का आदमी भी अब बहुत जागरूक है, सुबह टीवी देखता है, कृषि कार्यक्रम आता है, कृषि दर्शन कार्यक्रम आता है तो उन कार्यक्रमों के माध्यम से गांव के किसान भी बहुत जागरूक हैं। हम आंखों देखते देखते, कन्नौज जिला है, कन्नौज जिले में पहले आलू का उत्पादन बहुत होता था लेकिन आज भी आलू के उत्पादन के साथ साथ आज अगर उत्तर प्रदेश में मक्का अगर कहीं सबसे ज्यादा होती है तो कन्नौज जिले में होती है और कन्नौज जिले में मक्के के साथ साथ 3-3 मक्के की फसलें लेते हैं कन्नौज जिले में 3-3 मक्का की फसलें होती हैं। इसी तरह जनपद औरैया हमारा है जहां से मैं चुन के आया हूं, जनपद औरैया भी दलहन तलहन के लिए, क्योंकि ऊसर लैंड है वहां धान के लिए प्रसिद्ध है और एक तरफ हमारा बेहड़ी क्षेत्र है तो बेहड़ी क्षेत्र में दलहन और तिलहन का काम बड़े पैमाने पर, वहां किसानों को दलहन तिलहन की, बगल में बुंदेलखंड लगा हुआ है, जालौन में मटर बहुत प्रसिद्ध है, मटर वहाँ का किसान सारा मटर ही करता है, मटर सबसे ज्यादा वहाँ होती जालौन में। इस तरह जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना ज्यादा होता है तो उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थिति में जहाँ अच्छी, जहाँ जो वातावरण सूट कर रहा है उस हिसाब से किसान अपनी फसल उगाता है। पूर्वांचल में अपना कुछ अलग होगा फसल, सब जगह अलग अलग है। आप पीलीभीत की तरफ जाएंगे तो वहाँ धान की एक से एक बढ़िया क्वालिटी मिलेगी जी जी जी। तो हर जगह अलग अलग है, किसान की व्यवस्था अलग अलग है। निश्चित रूप से अगर सरकार मदद करती है, समय समय करती भी रहती है और तमाम योजनाएं भी चलाती है किसानों के लिए चलाती है और उन योजनाओं का जिन किसानों ने लाभ लिया है वो निश्चित रूप से उनकी आमदनी, और सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार, दोनों सरकारों का पूरा लक्ष्य है कि किसानों की दोगुनी आमदनी कैसे की जाए। इसीलिए बहुत चिंतन मंथन बराबर होता रहता है और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि दोगुनी नहीं, 1.25 गुनी होगी। विधायक जी, माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार जब थी 1992 में तो गांव को गणराज्य बनाने की उन्होंने बात कही थी, सपना भी देखा था लेकिन वो अभी तक धरातल पे वो योजना माननीय कल्याण सिंह के लिए माफी चाहेंगे। 1992 में पढ़ रहा था तो उस समय हम उस समय की योजना नहीं बना सकते हैं लेकिन अब 1992 में माननीय कल्याण सिंह जी थे जी और उस समय की योजना के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं क्योंकि उस समय हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अच्छा, अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में, अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में हमारे चैनल के जरिए कुछ कहना चाहेंगे? अपने मेरे विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि पूरा हमारे यहाँ केवल मात्र पूरी विधानसभा में एक नगर पंचायत है जी, ओनली 1 नगर पंचायत,
पूरा ग्रामीण इलाका है, सब किसानों से जुड़ा हुआ, सारे मुद्दे हमारे पास किसानों से जुड़े हुए। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में कन्नौज लोकसभा है, जहाँ से मुख्यमंत्री जी भी रहे हैं जी, अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी सांसद हैं इस समय। तो निश्चित रूप से हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, एक तो हमारा ज़्यादातर पूरी विधानसभा ऊसर लैंड से ग्रसित है, तो ऊसर के ऊसर सुधार योजना भी चली हमारे यहाँ, तो उससे काफ़ी बदलाव आया है क्षेत्र में। और आज भी हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि वन विभाग की जमीन, हजारों एकड़ वन विभाग की जमीन पड़ी हुई है, हजारों एकड़ चरागाह की जमीन है, हजारों एकड़ खलिहान की जमीन है। मेरे यहाँ जमीन सबसे फालतू जमीन मेरे यहाँ है, और हजारों एकड़ की बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत नहीं जी। हमारे यहाँ लगभग करीब 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 10,000 एकड़ से अधिक जमीन वन विभाग और चरागाह और ऊसर लैंड पड़ी हुई है, सरकारी लैंड पड़ी हुई है। एक एक पैच 1200 एकड़ के हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। कोई अगर भारत सरकार, आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे, भारत सरकार या प्रदेश सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहे तो मेरे यहाँ जमीन उपलब्ध है। हमारे दर्शकों को कोई संदेश, ग्रामीण जनता को कोई संदेश आप अपने माध्यम से? ग्रामीण जनता को संदेश मेरा तो यही संदेश है कि भाई अपनी आमदनी को दोगुना करें, और सारे किसान हैं वो अपनी आमदनी को दोगुना कैसे करें इस पर चिंतन मंथन करें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में रहें, जिले के जो कृषि अधिकारी हैं उनके संपर्क में रहें। सरकार जो है वो तमाम सब्सिडी भी दे रही है, पॉली हाउस की स्थापना हो, नए नए जो बीज हैं उनका प्रयोग करें, नए नए जो जैविक खाद हैं उनका प्रयोग करें, और जो पॉली हाउस के माध्यम से निश्चित रूप से अगर किसान पॉली हाउस भी लगाता है तो उसमें भी सब्सिडी है, 35% सब्सिडी है, तो पॉली हाउस में भी बहुत शुद्ध सब्जी पैदा हो सकती है, शुद्ध फसल पैदा हो सकती है। तो किसानों को पॉली हाउस पर भी चाहूँगा कि किसान पॉली हाउस लगवाएं और उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसका लाभ उठाएं, सोलर पंप भी दे रही है किसान, सिंचाई के अगर साधन नहीं होंगे तो किसान की आमदनी नहीं होगी उतनी, तो सोलर पंप पर भी हमारी सरकार छूट दे रही है, तो सोलर पंप भी किसान लगवाएं और सोलर उसका भी लाभ उठाएं। जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं वो सारी की सारी योजनाओं का किसान लाभ उठाए, तभी किसान तरक्की कर सकता है। किसान और पंचायत के लिए विधानसभा में अपनी तरफ से अगर आपको मौका मिला तो क्या मुद्दा उठाएंगे? अपनी तरफ से आपको कोई मौका मिलता है कि आप गांव के बारे में क्या चाहते हैं तो आप विधानसभा में क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? देखिए, जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में रोज घूमता हूं, रोज लोगों के कहीं ब्याह शादी में, कहीं लड़के क्रिकेट खेलते हैं हर गाँव में, उनके बीच में रहता ही हूँ, मैं जाता हूँ। और सबसे बड़ी समस्या किसानों की और गाँव की सबसे बड़ी समस्या है कि आज भी गाँव की गलियाँ वंचित हैं। हर गांव में अब पहले तो खरंजा लोग मांग लेते थे कि भाई खरंजा दे दो, अब सीसी रोड से नीचे कोई नहीं उतरता गांव, तो गांव की सोच बदली है जी। हमने कई गांव में गए तो हर गांव में सीसी रोड मांगते हैं, विधायक जी सीसी रोड दे दो। तो सीसी रोड है क्या कि उनकी एक मनोवृत्ति बदली है, और उनका भी गाँव के किसान का, गाँव में रहने वाले लोगों का मन है कि हम भी शहर की तरह रहे, हमारा भी गाँव शहर की तरह हो। तो कोई भी गली, और मेरी सबसे, मैं प्रयास भी करता हूं कि अधिक से अधिक जितनी भी योजनाएं हैं वो अगर सीसी रोड में परिवर्तित कर दी जाए और एक गांव लिया जाए तो पूरा सैचुरेट कर दिया जाए सीसी रोड से, तो तब उनके सही मायने में, तब वो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी मंशा तभी पूरी होगी कि उनके दरवाजे पर सीसी रोड हो, दरवाजे पर एक स्ट्रीट लाइट लगी हो, तब उन्हें लगेगा कि हम शहर में रह रहे हैं। तो गाँव का विकास, असली विकास तभी उनका सपना पूरा होगा कि जब हम इस तरह की व्यवस्था दें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे औरैया जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय शाक्य जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की ग्रामीण विषय पर, और आने वाले समय में ये विधानसभा में भी गांव की बात को कहते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। तो इसी के साथ अजय प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।